नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे कंचन, रुखसार अभी तक नहीं आई। भैया, रुखसार राखी का दिन कभी नहीं भूल सकती, आती ही होगी। लो, नाम लिया और आ गई। आदाब भाईजान। जीते हो रुखसार। रुखसार, भैया जब तक तुझसे राखी ना बंधवा ले, मुझसे राखी नहीं बंधवाते। मेरे भाईजान जो हैं? तेरे भाईजान हैं, मेरे भैया नहीं है क्या? देखिए भाईजान, जल गई। सबसे पहले चंद्र भाईजान को टीका लगाऊंगी, इन्हें मिठाई खाने का बहुत शौक है ना। जी भाईजान, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया भाईजान। कंचन, हाँ, हमारी सारी सहेलियां सुरमई पहाड़ी पर जाने के लिए हमारा इंतजार कर रही है, हम लोग जाएं भाईजान? हाँ हाँ, जरूर जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। जुम्मन, रहीम, शहजाद, अस्तबल में हमारा सुल्तान नहीं है, कहाँ गया हमारा सुल्तान? आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? अरे हो खाक के पुतलो, क्यों हमारे बेटे का हलक चलवा रहे हो? बोलो सुल्तान कहाँ है? भाईजान, सुल्तान को सलमान ले गया है। जुबेर, सुल्तान हमारे और आशु के सिवा किसी और को अपने पीठ पर बैठने नहीं देता है। ये जानते हुए तुमने सलमान को मौत के मुंह में ढकेल दिया। भाईजान, सलमान आपका खून है, मौत इतनी आसानी से उस पर हावी नहीं हो सकती। मगर अबू जान, सलमान भाईजान शहर से आए कब? आज ही सुबह बेटे। तो चलिए चाचा जान, जरा देखिए तो क्या हल कर रहा है सुल्तान हमारी भाईजान का। अरे सुल्तान, निकाल दी ना जान, लेकिन तू जानता नहीं मेरा नाम है सलमान। आदाब। मैं आऊं सुल्तान। अरे सुल्तान, पेट पर नहीं, पीठ पर। सुल्तान, पीठ पर। सुल्तान, अगर तू पठान का घोड़ा है तो मैं भी पठान का बेटा हूं। मैं फिर से आया। मैं बोला था ना मैं आऊंगा, मैं आ गया। अब चले देना। बदतमीज,
ये खूबसूरत खिताब किसने दिया हमें? ए मिस्टर, ये आशिकी के चोंचले कहीं और जाके आजमाना, चांद से चेहरे पर दाग लगा दिया। चांद? कौन सा चांद है ये? पूनम का चांद है, चौधरी का चांद है, या फिर ईद का चांद है? एक और भी चांद होता है। वो कौन सा? जब सर पर जूतियां पड़ती हैं तो एक और चांद निकल आता है। गधे पर बैठना नहीं आता, घोड़े पर बैठ गया। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। और इतनी जल्दी? अभी तो अच्छी तरह से हाय हेलो भी नहीं और बाय बाय कह रही है। अरे सुनिए, जरा अपना चांद सा चेहरा तो साफ करती जाइए। चेहरा साफ करने से पहले जी चाहता तेरी तबीयत साफ कर दूं। अपनी तबीयत का तो ड्राई क्लीन हो चुका है, अब आप जरा अपने गालों को क्लीन कर लें। बदतमीज! जब आपने बदतमीज का खिताब दे ही दिया तो हम बदतमीजी कर ही डालते हैं। ये तुम्हारी ये मजाल? मजाल नहीं हुजूर, रुमाल। चेहरा साफ, हिसाब साफ। बेशरम, चलो यहाँ से। बाय बाय, खुदा हाफिज। अबूजान, अबूजान, भाईजान ने सुल्तान पर काबू पा लिया। अब्दुल। जी हुजूर। हमारे शेर बेटे ने सुल्तान पर काबू पा लिया है, इस खुशी में गांव के तमाम गरीबों में खैर खैरात बांट दो। जी हुजूर। लेकिन अब ये इतनी खुशी की बात तो है नहीं। तुम नहीं जानते हो सलमान, सुल्तान की सवारी करना एक आदमखोर शेर की सवारी करने के बराबर है। सुल्तान ऐसा घोड़ा है जब किसी से प्यार करता है तो माँ की ममता से बढ़कर करता है, और जब किसी से नफरत करता है तो एक आदमखोर शेर से भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। अबू जान। हाँ बेटे। लगता है सुल्तान ने हमारे भाईजान को बहुत सताया है, देखिए कैसा पसीना निकल रहा है। ये क्या है? चाचा जान, ये मोती है। मोती? किसी की नाक का मोती। नाक का मोती? सलमान, तुम सुल्तान की सवारी करने गए थे या कीचड़ से कमल निकालने गए थे? चाचू वो जवाब दो बेटे। अबू वो सुल्तान का पांव कीचड़ में जा पड़ा तो उसके छींटे एक लड़की के मुंह पे जा गिरे, तो हमने उनको हमारा रुमाल दिया अपना चेहरा पोंछने के लिए, तो शायद ये उन्हीं का मोती हो। देखो बेटे, तलवारों से खेलने वाले मोतियों से खेलने लगे तो उनकी ताकतों को जंग लग जाता है। इसे अदब से ले जाओ और जिसकी अमानत है उसे इज्जत से वापस लौटाओ। भाईजान, मैंने कहा सिर्फ मोती देके आना, दिल्ली ही। चाचू बात क्या है, आशु आज कुछ ज्यादा ही चहक रहा है, पटक दूं? पटक दो। आहा हा, बल्ले बल्ले बल्ले, भाई वाह, खुशबू तो अच्छी है, जायका भी अच्छा है कि नहीं? जरा फतेह खान साहब आ रहे हैं। फतेह खान साहब आ रहे हैं? ओए अस्सलाम वालेकुम फतेह खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह करो दरोगा साईं, बिस्मिल्लाह करो, ये आप ही के लिए है। जी शुक्रिया। अब पहले के दरोगा साहब ने कहा था कि फतेह खान साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करने जरूर जाना, इसीलिए सलाम अर्ज करने हाजिर हुआ हूँ सरकार। मेहरबानी है आपकी, शफकत है। वो अभी अभी कमिश्नर साईं हमसे मिलने आए थे, बाहर जीपे जाती नहीं देखी आपने? जीपे? हाँ 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 देखी हुजूर, जीपे जाती हुई देखी। मेरे लिए क्या हुक्म है? पता नहीं कुछ लोग जी, न जाने किस मोहल्ले के लोग हैं जी, जो हमारी जमीनों पर पानी को पहुंचने से रोक रहे हैं। अच्छा, जितना पानी हमारे खेतों के लिए चाहिए उतना हमें नहीं मिल पा रहा। हुजूर, पानी की अपनी तो कोई मर्जी होती नहीं है, आप जिस तरफ चाहेंगे पानी का रुख उस तरफ मोड़ दूंगा हुजूर। साईं खाओ ना। जी इजाजत है। जी हुजूर, टेलीफोन बजी है। हाँ फतेह खान बोल रहा हूं। क्या कहा, झगड़ा हो गया? पांच छह जाया हो गए?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा जानी। आओ बेटा साईं, आओ। बाबा जानी। दरोगा साईं। जी हुजूर। ये हमारी बेटी है रुखसार, बहुत लाडली बेटी, बस ये समझ लो कि हमारी जान है छोटी सी। सुना दरोगा चाचा कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओ भले भले। लेकिन बाबा जानी, आपने हमारी बाकी की खूबियां तो बताई नहीं। क्या मतलब बेटा साईं? मतलब ये कि अगर हम घर में ना आए तो घर उदास हो जाता है, अगर हमें 101 बुखार हो तो आपको 102 हो जाता है। बेशक। जिसको हम घर से बाहर निकाल दे वो अंदर नहीं आ सकता, जिसे हम अंदर ले आए वो बाहर नहीं जा सकता। क्यों? सच कहा बेटा साईं, सच कहा। आप तो हमारा खिलौना हो छोटा सा। अब तो आप समझ गए ना दरोगा चाचा कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। बल्ले बल्ले। अच्छी तरह समझ गए ना दरोगा चाचा। बल्ले बल्ले। तो फिर मुझे नीचे कीजिए ना दरोगा चाचा। बल्ले बल्ले। ऐसे। ये जो हमारे जिगर का टुकड़ा है ना साईं जी, ये आउट ऑफ लॉ है। ना हमने कभी इसकी बात का बुरा माना, ना कभी तुम मानना। बल्ले बल्ले। बेटा साईं, जरा इधर तो आओ। जी बाबा जानी, लो आ गए। बेटा साईं, आज आप पूरे वापस नहीं आए। हाँ? क्या मतलब बाबा जानी? मतलब ये कि आपके नाक का मोती कहाँ है? मोती कहीं गिर गया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप जाओ। जी बाबा जानी। शौकत बेटे, आप ऐसा करो कि अपने भी दो जाया कर दो और बाकियों को थाने भेज दो। हाँ हाँ, एसपी साहब से मैं बात कर लूंगा। साई मरे क्यों जाते हो? बच्चे हैं ना, जल्दी घबरा जाते हैं। जी जी। तशरीफ रखो ना साई। हुजूर, सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही खैरियत है साई। शुक्र है। वो हमारी जमीन पर झगड़ा हो गया है। कुछ लोग हमारे लोगों से भिड़ गए। वो मेरा बड़ा बेटा है ना शौकत, जी जी, उसी का टेलीफोन था। अच्छा। कह रहा था 5-6 जाया हो गए हैं, बाकी मामला काबू में है। हुजूर, ये 5-6 क्या जाया हो गए हैं? आदमी साईं, आदमी। आदमी आदमी मर गए हैं 5-6। आप क्यों घबरा रहे हैं साईं? जी जी जी। जहां कत्ल हुआ है वो आपका इलाका नहीं है। गुलाम खान। जी हुजूर। हमारी बेटी के नाक का मोती गुम हो गया है। जिन जिन रास्तों से वो गुजरी है उसके पैरों के निशान जहां जहां नजर आए वहां की सारी मट्टी छान डालो और हमारी बेटी के नाक का मोती ढूंढ लाओ। जाओ। हुजूर, ये जो मोती वाला केस है ना, आप मेरे सुपुर्द कर दें। इस इलाके के जितने गुंडे बदमाश है ना, उनको अंदर करके इतनी पिटाई करूंगा उनकी कि अगर उन्होंने वो मोती नहीं भी लिया होगा ना, तो मेरी खिदमत में चंदा करके पेश कर देंगे, तो फिर मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। ना साईं ना, ऐसे मोती तो हम हजारों खरीद सकते हैं, मगर वो मोती हमारी बेटी के नाक का मोती है। माफ कीजिएगा, मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुत्ता है ये, हमारा छोटा बेटा अफजल है, कुत्ते से बहुत प्यार करता है साईं। आदाब आदाब। आदाब दारोगा साहब। आदाब। ये जो मेरा कुत्ता है ना, बहुत वफादार है, ये पुलिस की वर्दी देखकर भौंकने लगता है। आदाब। अच्छा कुत्ता, बहुत अच्छा कुत्ता है, और काला रंग है ना, नजर नहीं लगेगी। भाई वाह, संभाल के रखे आप। अफजल। जी बाबा जानी। थोड़ी देर पहले हमारी जमीनों पर झगड़ा हो गया था, हमने अपने आदमी थाने पहुंचा दिए। थानेदार से कहो कि उन्हें हमारी जमानत पर छोड़ दे। छोड़ेगा कैसे नहीं बाबा जानी, अगर नहीं मानेगा तो जबरदस्ती उठा कर ले आएंगे। चल काले, चल।